15वीं एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता फरहान मिर्जा की उपलब्धि पर चंबा जिला को गर्व है। चंबा में पहुंचे फरहान मिर्जा का चंबा के स्थानीय लोगों के साथ स्कूल के छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। ये पहला मौका है कि किसी चंबा के युवक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। फरहान मिर्जा ने एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर न केवल अपने देश बल्कि प्रदेश के साथ साथ अपने जिला चंबा का नाम रोशन किया है। फरहान मिर्जा एक सामान्य परिवार से संबंध रखता है और राइफल शूटिंग का शौक फरहान मिर्जा की बचपन से ही था। राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता फरहान मिर्जा इसका सारा श्रेय अपने माता पिता की कड़ी मेहनत को देते हैं। उनकी इस उपलब्धि को लेकर क्या स्कूल के बच्चे और क्या बड़े सभी फरहान मिर्जा को बधाई दे रहे हैं। शूटिंग चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें टीम इंडिया पूरा गया था और हमारा टीम इवेंट में मेडल रहा है, ब्रॉन्ज मेडल, और इंडिविजुअल फोर्थ रहा मैं, और बहुत अच्छा लगा। आप सब ने यहाँ पे वेलकम किया, आप सब का तहे दिल से धन्यवाद। और क्या अगला क्या लक्ष्य है आपका? अगला नेशनल्स है मेरी इसी मंथ में, और नेशनल की तैयारी उसके बाद ओलंपिक के लिए और चंबा के लिए नेक्स्ट टाइम गोल्ड जरूर लाएगा। कहाँ से ली आपने ये प्रेरणा, कहाँ सीखा आपने क्या? ये सारी प्रेरणा का श्रेय, सारा श्रेय मेरे फादर और मदर को जाता है। पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया है शूटिंग से रिलेटेड, जो भी था मेरे फादर ने किया है। और बाकी DC साहब, MLA साहब, SP साहब, GM साहब और श्री गणेश सर जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका इस मेडल में बहुत बड़ा हाथ है। क्या फीलिंग रही जब आपको ये कांस्य पदक मिला, तो क्या आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा है। पहली बार हम इंडिया के लिए, मैं पहली बार इंटरनेशनल खेला और पहली बार इंडिया के लिए मेडल लेके आया, उससे बहुत प्राउड मोमेंट फील हुआ। Rifle shooting championship. He is part of our school. It's a proudful moment for our school, our Chamba and our country also. Congratulations to all his family members and himself also, and best wishes for his future. All the best. मिर्जा परिवार और फरहान मिर्जा के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ यहाँ, क्योंकि उन्होंने इसका टैलेंट पहचाना और इसको आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं इसने चंबा का हमारे नाम रोशन किया, मैं सभी को मुबारकबाद देती हूँ ताकि ये बच्चा आगे भी खूब मेहनत करके आगे जाए। यही हमारी शुभकामनाएँ उस बच्चे के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, बहुत ज़्यादा खुशी है। चंबा का भी नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और हिमाचल प्रदेश का नाम भी जो है रोशन हुआ है, बहुत खुशी है। मैं सभी चंबा वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। कब उन्हें शौक है इससे? शूटिंग 4th क्लास में था तब से इसने जो है शूटिंग में आया था। उसके बाद धीरे 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 2019 में इसने जो है अपना पहला स्टेट खेला, उसके बाद वहाँ से क्वालिफाई स्कोर करके ये नॉर्थ जोन में पहुँचा। नॉर्थ जोन में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसने क्वालिफाई स्कोर किया और नेशनल में पहुँचा। नेशनल में फर्स्ट टाइम में जब इसने नेशनल खेला तो इसमें इसका ब्रॉन्ज मेडल आया।
और उसके बाद टीम इंडिया ट्रायल का भी क्वालिफाई करते हुए टीम इंडिया ट्रायल में पहुंचा। तो वहाँ पर भी ये पिछली बार जो था टॉप 14 में रहा। उसके बाद नेक्स्ट इसने दोबारा 65 नेशनल खेला केरला में, उसमें भी इसने सिल्वर मेडल लिया। और उसके बाद टीम इंडिया स्कोर अचीव करके इसने टीम इंडिया के ट्रायल दिए। और अभी जो हाल ही में ये ट्रायल कंप्लीट हुए, इसके बाद इसका चयन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, बड़ा खुशी का पल है और चंबा के लिए भी एक गौरव की बात है।